और कानपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिली है। कानपुर के दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ पहुंची। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया। ग्वालटोली क्षेत्र के में स्थित सूटरगंज दुर्गा पंडाल में डेनम्बे ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सूटरगंज में पिछले 81 सालों से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में 2 साल दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो सका। इस बार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से पंडाल लगाकर माता की आराधना की जाती है। वही माता की पूजा कर उनसे कोरोना बीमारी को दूर करने की प्रार्थना की गई। सूटरगंज सार्वजनिक दुर्गा पूजा जो 81वां वर्ष है, ये कोविड काल से जो 2 साल से यह दुर्गा पूजा नहीं हो पा रही थी, इस बार शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे उसके अंतर्गत सूटरगंज निवासी सब लोग बहुत प्यार से भाईचारे से मिल के 81 साल से दुर्गा पूजा मना रहे हैं। इस बार दुर्गा पूजा हम लोग माता रानी के चरणों में ये कामना लेके मना रहे हैं कि जो विपदा कोरोना काल में इस देश के ऊपर आई है, इस प्रदेश के ऊपर आई है, उसको महामाया अपनी कृपा से दूर करें और जल्द से जल्द राष्ट्र अपने पुनः प्रगति के मार्ग पर चल पड़े। 2 साल बाद मनाया जा रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि ये दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा सूटरगंज है जिसको कि क्षेत्रीय लोग आपस में मिलजुल के बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह इस बार दुर्गा पूजा में है क्योंकि 2 साल बाद लोग अपने घरों से निकल के सार्वजनिक जगहों पे जा पा रहे हैं और पूरी तरीके से जो दुर्गा पूजा कमेटी है ये वो शासन द्वारा निर्धारित जो भी कोविड का निर्देश है उसका दिशा पालन करते हुए कर रही है। यहाँ पे विगत 80 वर्षों से दुर्गा पूजा का बहुत सफल आयोजन करते चले आ रहे हैं। ये हमारा 81वां साल है दुर्गा पूजा को निरंतर इसी तरह से करते हुए, जिसमें हमारे मोहल्ले वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और साथ ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन से नवरात्रि के ये 4 दिनों में पूरी तन मन धन से हमारे यहाँ सेवा में लगे रहते हैं और इस दुर्गा पूजा को सफल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।